हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस। और ये फ्राइड राइस मैं बनाऊंगी बचे हुए रात के राइस से, यानी बचे हुए चावलों से हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने गोभी लिया है बारीक कटा हुआ, गाजर ले लिया है, दो हरी मिर्ची ली है, मटर ले लिया है, एक मैंने प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, कड़ी पत्ता ले लिया है, कैप्सिकम लिया है, अदरक लहसुन ले लिया है, कुछ खड़े मसाले भी ले लिए हैं हमने। और ये इसके लिए मैंने ले लिया है किचन किंग मसाला। तो यहाँ पर गैस पर मैंने पैन रखा है, इसमें मैंने 5 स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल, और इसको गर्म होने तक। फिर अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1 तेज़पत्ता डालूंगी तोड़कर, और इसे खड़े मसाले इसमें डाल लेंगे। सभी मसालों को अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। फिर अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते, और इसके बाद हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज हमारी हमको गोल्डन ब्राउन होने तक भूननी है। इसमें 1/2 टीस्पून अदरक डालूंगी और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डालूंगी लहसुन, और सभी को अच्छे से हम भून लेंगे। अब हम इसमें गोभी डालेंगे, गाजर डालेंगे और मटर भी डालेंगे, और मिर्ची भी, हरी मिर्ची बारीक कटा हुआ, और कैप्सिकम। ये सभी चीज़ों को डालकर उनको सॉफ्ट होने तक बैजेस को पकाएंगे। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक, ये सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसको स्टीम में पकाएंगे। जब तक हमारी बैजेस सॉफ्ट नहीं हो जाती स्टीम में पकाएंगे, और बस 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी सारी हमारी सब्जियां। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी, और किचन किंग मसाला डाला है 1/2 टीस्पून। बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर, और मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अच्छी महक भी उठेगी इस टाइम। और बस अब हम इसमें राइस डालेंगे। गाइस, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इनको इस तरह से बनाइए और सुबह ब्रेकफास्ट में खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं आप इसको बनाकर। और ये हमारे फ्राई राइस एकदम बनके रेडी हो चुके हैं गाइस। और आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए।